सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट सैटरडे को जो है हमने एक्सट्रीमली सिंपल उतना ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन ए प्लेन का एक स्पेशल एप्लीकेशन था, उसके अबाउट डिस्कशन कंप्लीट किया था। तो उसके बाद संडे को यूनिट टेस्ट भी हो गई एंड यूनिट टेस्ट में बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर किया है जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया है, जो होमवर्क बोला है, जो प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं उनको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो नहीं करते थे प्रॉपर उनको मार्क्स में रिजल्ट दिख रहा है। तो आज से जो है हम फिर से न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर उसको अपन रिलेटिव मोशन ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि देखो आज से फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इससे पहले थोड़ा सा इधर उधर प्रॉपर वर्क नहीं भी किया था, लेकिन आज से जो टॉपिक शुरू होगा, टॉपिक में लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, लेक्चर सॉल्व किए जाएंगे, वो सारे आप तीन तीन बार चार चार बार जब तक आपको क्लियर नहीं होता है, अगर तब तक आप उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक, इस तरह से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको भी टेस्ट में स्कोर मिलना ही है, एंड नहीं करेंगे तो वही मेजरमेंट में हो रहा था, वही मोशन इन ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हुआ, वही वेक्टर में हुआ, वही मोशन इन ए प्लेन में हुआ, प्रोजेक्टाइल में कुछ कंडीशन सुधर रहे थे, अभी टॉपिक आ गया रिलेटिव मोशन। अब बेसिकली ये जो रिलेटिव मोशन है आपको जो मॉड्यूल दिए गए हैं उसके मोशन इन ए प्लेन में ही आपको मिलेगा। देखो मैंने पहले भी चार बार बोल चुका हूं मैं कि जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, इस मोशन इन ए प्लेन में हम फोर पार्ट को सेपरेट करके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ा है वेक्टर को, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि एक्चुअल जो है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन थी उसको मोशन इन ए प्लेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मोशन इन प्लेन। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन देखा था दिस मोशन इन ए प्लेन का दैट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हमने हाफ प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जैसे सारे डिटेल्स में डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एंड ये रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में लास्ट और एक पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मोशन इन ए प्लेन है काइनेमेटिक्स के सेक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। काइनेमेटिक्स का छोड़ दो, हमारे पूरे फिजिक्स के सिलेबस का, मतलब जो भी कंसेप्चुअल पार्ट हमें आगे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, उसमें से लगभग सारी की सारी कंसेप्ट आपको इसी टॉपिक में क्लियर करके दिए जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो लोग एकदम प्रॉपर वे से करेंगे आपको 80% सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब आगे बस आपको वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये बात हमने मोशन इन ए प्लेन में पढ़ी थी उसके जैसी है, जैसे वेक्टर के एप्लीकेशन चलते रहने वाले, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल की वेरियस केसेस उसके फॉर्मूले भी हमें आगे करने हैं, आगे यूज करने हैं, अभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, उसके बाद में सर्कुलर मोशन आएगी। तो इसमें से जो है हमने वेक्टर का डिस्कशन कंप्लीट किया है, मोशन इन ए प्लेन थोड़ी सी शॉर्ट में डिस्कस की थी क्योंकि मोशन इन ए प्लेन का खुद का वेटेज था ही नहीं, मोशन इन ए प्लेन में बस हमने इतनी सी बात देखी थी कि जो हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं वही मोशन इन ए प्लेन में पढ़ना है, बस डिफरेंस क्या होता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन एक एक्सिस ही हमें कंसिडर करना पड़ता है, मोशन इन ए प्लेन में मोशन जब हमें दी जाती है तो दोनों एक्सिस के रिलेट में दी जाती है, हम उसको क्या करते हैं बस एक्स एक्सिस के टर्म को सेपरेट वाई एक्सिस के टर्म को सेपरेट एक बार कर दिया, बाकी पूरा टॉपिक जो पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही पढ़ते हैं। वही फिर प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था कि जो बातें मोशन इन ए प्लेन में हमने पढ़ी थी, वेक्टर में पढ़ी थी, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, उन सबका एक स्पेशल एप्लीकेशन आ गया था प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी तरह से आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, ये भी सिमिलर टॉपिक होगा। अब ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में आपको अलग टॉपिक बोल के नहीं दिया है तो मिलेगा नहीं, ढूंढो भी मत, जो हमारी क्लास की मॉड्यूल है इसमें जो है ये रिलेटिव मोशन मोशन इन ए प्लेन में इंक्लूड करके दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे देती है हम भी उसी फॉर्मेट में उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन जो होगा मोशन इन ए प्लेन में घुसा के दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पीछे रीजन क्या होगा, इसके पीछे रीजन वही होगा जो रीजन आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था कि ये रिलेटिव वेलोसिटी की अपना खुद का कुछ कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है, कंसेप्ट पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, ये बस एक एप्लीकेशन है,
अब ये एप्लीकेशन कैसा है एक तरह से देखेंगे तो बाकी कंसेप्ट के कंपैरिजन में सबसे सिंपल एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन वाला। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, बस क्या होता है, इन जनरल ये यूज नहीं होता है, ये रिलेटिव मोशन वाली जो बात है इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में ही हमें लगती है, इसलिए क्या होता है कि पढ़ते टाइम ये बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये थोड़ा सा फिर होलाटाइल बन जाता है, क्योंकि आगे के टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे एनएलएम पढ़ना है, वर्क फॉर एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशन फिर से पढ़ना है, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ना है, एसएचएम पढ़ना है, वेव्स पढ़ना है, थर्मल के टॉपिक्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, तो उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे वेक्टर वाली, मोशन इन ए प्लेन वाली, प्रोजेक्टाइल वाली, सर्कुलर वाली ये बातें आगे आती रहती है। तो ये हम इसके साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि नहीं ये अपना है, आता है, सबको आता है। लेकिन रिलेटिव का होता क्या है कि आगे के टॉपिक में इसका कुछ ज्यादा खास यूज है नहीं, इसलिए यहाँ पे पढ़ने के बाद उसको हम मतलब रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि लिंक नहीं है, आगे के टॉपिक डिपेंडेंट नहीं इसके ऊपर, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब जल्दी से भूल जाते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम से पहले ये रिलेटिव मोशन वाला पार्ट जो है वो डिफिकल्ट लगने लगता है। तो हम पहले से मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये सारी जो कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं उनके कंपैरिजन में सिंपलेस्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, ये पहले क्लियर कर लो। क्यों सिंपलेस्ट है वो आपके लिए आज के लेक्चर में आपको समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। सेम पार्ट यू विल एक्सपीरियंस इन एसबीटी, जितने एफर्ट्स आपको प्रोजेक्टाइल में लेने पड़ते थे, जितने एफर्ट्स आप वेक्टर में ले रहे थे, वो सारी बातें यहाँ पे होगी नहीं, एकदम आराम से सब कुछ एकदम इजिली होने वाला है। बस कंडीशन है जो बोला जा रहा है उसके ऊपर आपको थिंक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम, आपको ब्रेन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके उसको यूज करना पड़ेगा तभी प्रॉपर वर्क होगा। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड जो बातें हैं हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी उनको एक कंबाइंड टॉपिक के हेडिंग के अंदर पढ़ना है, मतलब नया कुछ नहीं है, जो पहले हुआ था वही सारी बातें यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे इसमें घुसने वाले अपन, ये सारी कंसेप्ट तो आपको पहले से ही मालूम है। वंस अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन, ये मोशन इन ए प्लेन बिलोंग करता है फ्रॉम काइनेमेटिक्स, और हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड किया था कि जब तक अपन काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक किया है उनको मालूम है कि वहां पे मैंने पहले मोशन को डिफाइन करके दिया था और बोला था कि मोशन को पढ़ने के लिए अपन फिजिक्स की दो ब्रांचेस वहां पे बनाने वाले है, एक काइनेमेटिक्स होगी, दूसरी डायनेमिक्स होगी। डायनेमिक्स में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो बातें बाद में, ठीक है। जब अपन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जब हम वर्क फॉर एनर्जी पढ़ेंगे, जब अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जब अपन रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, एसएचएम एंड वेव्स पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हमें डायनेमिक्स में पढ़ने, तो उनको छोड़ दो, उनका डिस्कशन वहां पे होगा। अब जो डिस्कशन चल रहा है हमारा वो है काइनेमेटिक्स के अबाउट, और काइनेमेटिक्स में हम डिसाइड करते हैं कि फोर्स को छोड़ के हमें मोशन को पढ़ना है। मोशन का कॉज होता है फोर्स, उसको कंसीडर किए बिना, उसको इंट्रोड्यूस किए बिना हमें यहाँ पे मोशन को पढ़ना है, यानी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोशन के डिस्प्लेसमेंट, मोशन के वेलोसिटी, मोशन के एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ इनके अबाउट डिस्कशन करना है, इनको छोड़ के हमें कोई अलग कंसेप्ट पढ़नी ही नहीं है, इनको ही घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के हम यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। बस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट को जब डायरेक्शन के साथ कंसीडर नहीं करते तो अपन उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ये कोई अलग सी क्वांटिटी नहीं होती है, उसी तरह से वेलोसिटी के पैरेलल में एक स्पीड आती है, लेकिन इनका खुद का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसको हर बार मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं बस डिस्कस कराऊंगा आपको अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनको सुन सुन के मतलब अभी किर हो गए अपन, रात दिन उठ के वही है, लाइव लेक्चर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एसबीटी ट्राई करने के लिए टेस्ट पेपर ओपन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मॉड्यूल का होमवर्क कंप्लीट करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब वन मंथ से ज्यादा हो गए हमें, तब तक से हम क्या कर रहे हैं, यही डिस्प्लेसमेंट, यही वेलोसिटी, यही एक्सेलरेशन इनके अबाउट डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अभी हमारे ब्लड में आ गए, बहुत ज्यादा हम इसके साथ फैमिलियर हो गए। तो अभी जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, इसमें भी हमें क्या पढ़ना होगा, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होगा, वेलोसिटी पढ़नी होगी, एक्सेलरेशन पढ़ना होगा, बस एक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, आपने देखा था कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जब अपन पढ़ते थे
तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन था। वही बात जब मोशन इन ए प्लेन में चली गई, दो दो एक्सिस आने लगे, तो वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस बोलना शुरू कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बोलना शुरू कर दिया। आगे गए फिर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ गई, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गई, देन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, देन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं बदले, उनको पढ़ने का थोड़ा सा एक एक तरीका वहां पे एडिशन में आ गया। इस टॉपिक में भी आपको सेम एक्सपीरियंस आने वाला है कि जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट अब तक जो अपन पढ़ते थे वो वाला सीधा साधा नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वो रहेगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बन जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। उसी तरह से जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो एक्सेलरेशन भी बन जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है लेकिन ये कौन सा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि फिर से हम यहाँ पे कोई भी नई कंसेप्ट नहीं लेके आने वाले, वही कंसेप्ट है। डिफरेंस देखो क्या था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल कंसेप्ट देखी थी, डिफाइन किया था, फॉर्मूला आया था, एसआई यूनिट आया था, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। मोशन इन ए प्लेन में मैंने इसको एक बार भी डिफाइन भी करके नहीं दिया, ना यूनिट बोला, ना वेक्टर स्केलर बोला, ना उसके पर्टिकुलर एग्जांपल लिए, मैंने डायरेक्ट उसको मोशन इन ए प्लेन में कैसे अप्लाई करते वो एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि मीनिंग डेफिनेशन यूनिट वो थोड़ी बदलने वाला है, वो तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। आपको अगर वो देखना है तो आपको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा टॉपिक में, उसमें फर्स्ट लेक्चर है या फिर सेकंड लेक्चर है, दोनों लेक्चर में तीनों कंसेप्ट का आपको डिटेल में एक्चुअल में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या खास पढ़ने वाले है ना, अभी एक ओवरऑल आइडिया आ रहा है, हम टॉपिक में एकदम धीरे धीरे से एंटर करने वाले, गड़बड़ कुछ भी नहीं है, पहले क्लियर कर लो है ना। जैसे कि हमारा एक ड्रीम फिक्स होता है कि मुझे ये करना है, तो उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो है क्या और फिर वहां तक जाना कैसे, टैकल कैसे करना है। तो अपन पहले टॉपिक को समझ रहे हैं कि टॉपिक का जो कंटेंट रहने वाला है वो पहली बात कुछ भी अलग नहीं है, नॉट ए सिंगल कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट नहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगी, एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आने वाली नहीं है। वही है जो अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, मोशन इन ए प्लेन में पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे, एज वेल एज वेक्टर में भी पढ़ते थे, बस उसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। अब तरीका कैसे बदलेगा वो भी एकदम सिंपल सी बात है और वो आपको पहले से मालूम है, कैसे उसको थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि जब मैंने आपको मोशन को इंट्रोड्यूस किया था तब हमने मोशन को डिफाइन भी किया था, तो मुझे कौन बोलेगा डेफिनेशन ऑफ मोशन क्या थी, व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ मोशन? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। मोशन मतलब क्या था, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं है या फिर बाद में ज्वाइन किए उनके लिए मैं लिख के देता हूं, मोशन का मतलब था चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग मोशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। एंड वहां पे मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर कर दिया था कि मोशन का सारा जो घोल है वो किसकी वजह से है, ये स्पेस एंड टाइम की वजह से। ये स्पेस एंड टाइम इसको अपन बोलते हैं कि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, ये जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक मोशन के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हम। उस टाइम पे भी मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिए थे कि माउंट एवरेस्ट है, सबको मालूम है ले भारी है, ले ऊपर है, ठीक है, और वो जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, रेस्ट में है या मोशन में, तब जाके सब लोग कुछ हंस भी रहे थे और कुछ बोल भी रहे थे कि सर माउंट एवरेस्ट तो रेस्ट में है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या बात है ना, माउंट एवरेस्ट थोड़ी इधर से उधर उड़ा मार रहा है, जहां से जब से मालूम है तब से वही पे है। लेकिन फिर आगे जाके हमें समझ में आया था कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है या हम बोल नहीं सकते, कब तक, जब तक हम ये स्पेस एंड टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बातें उनको फिक्स नहीं कर पाते तब तक। और उसी टाइम पे मैंने बोला था कि इस स्पेस एंड टाइम को बोला जाता है एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन ये बड़ा वर्ड है, डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान कम देने वाला हूं। उसकी जगह पे अपन स्पेस एंड टाइम सराउंडिंग इस तरह के सिंपल फैमिलियर वर्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बोलो फिर मुझे माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है?
सर यहाँ से देखें है, तो अगर टूरिस्ट में मून पे है तो मोशन दो कंडीशन है ना। अगर नेपाल में जाके बैठ गए माउंट एवरेस्ट के बाजू में, बेटा तू रेस्ट में या मोशन में, तो वहां पे दिन रात बैठ के देखेंगे तो वो रेस्ट में दिखेगा, है ना। चले गए जेफ बेजोस के साथ में या फिर इलन मस्क के साथ में सैटेलाइट पे बैठ के वो फ्री ट्रिप ऑफर कर रहे हैं, है ना। मून पे चले गए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमने वहां पे माउंट एवरेस्ट को देखना शुरू कर लिया, फिर हमें समझ में आएगा कि अब तक तो अपन क्या बोलते थे, कंफ्यूजन में जी रहे थे कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है, वैसा नहीं है। अर्थ तो रोटेट हो रही है, रोटेट तो हो ही रही है, साइमल्टेनियसली वो सन के सराउंडिंग में घूम भी रही है। मतलब हम अगर सन पे जाके बैठेंगे तो उसकी और अलग मोशन हमें दिखाई देगी। अगर हम सोलर सिस्टम का कोई बाहर का एक प्लेनेट या फिर स्पेसक्राफ्ट वहां पे खड़ा कर देंगे और उस पे से देखेंगे तो हमें और अलग मोशन दिखाई देगी। यानी कि जो मोशन अपन समझते हैं वो है ही नहीं। ये माउंट एवरेस्ट की बात नहीं है, ये कोई भी चीज के लिए अप्लाई करो कि जो हमें लगता है, जो हम समझते हैं, वैसे होता ही नहीं है। इसलिए मैं पहले लेक्चर में मतलब चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं कि फिजिक्स जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता। उसका रीजन ही यही है कि यहाँ पे फिजिक्स को समझने के लिए नजरिया नहीं चाहिए, नजरिए चाहिए, ठीक है ना। आपको मोशन के बारे में पढ़ते टाइम उसका एक्सपीरियंस आने वाला है। जैसे माउंट एवरेस्ट पे फिजिक्स पढ़ने वाले लोग छोड़ दो, बाकी किसी से भी जाके पूछेंगे माउंट एवरेस्ट क्या, रेस्ट में या मोशन में, वो पहले तो आपके ऊपर हंसेगा, आपको पागल बोलेगा और फिर बोलेगा अरे वो रेस्ट में है। लेकिन वो एक्चुअल में रेस्ट में है या मोशन में है ये कंक्लूड ही नहीं कर सकते। ये हम चीज समझ सकते हैं जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। उसी तरह की बातें आज अपन इस रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें टॉपिक में एंटर करना है। मोशन को हमने डिफाइन कर लिया और मोशन को डिफाइन करने के बाद माउंट एवरेस्ट के बारे में भी एक एग्जाम्पल ले लिया। उसके साथ मैंने और एक एग्जाम्पल आपको दिया था ट्रेन वाला, कि ट्रेन जा रही है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े, एक बोगी में बर्गलर घुस गए, चोर घुस गए, गन निकाली, फायर कर लिया, हैंड्स अप बोला, सब लोग क्या करेंगे, है ना, हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे। तब मैंने बोला था, तो इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया था कि अब कंडीशन क्या है कि उस चोर के हाथ में गन है और वो क्या बोल रहा है सबको कि जगह पे खड़े रहो, हाथ ऊपर करो, कोई हिला तो आई विल फायर ऑन यू, मैं गोली मार दूंगा। मतलब वो सारे जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ट्रेन तो चल रही है, क्या बोल सकते हैं। तो फिर ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था जो फिजिक्स पढ़ते नहीं उनके लिए, क्या बोल सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि बेटा कैसे है कि अगर ट्रेन के अंदर की बात करेंगे तो सब लोग रेस्ट में है, लेकिन अगर ट्रेन के बाहर से देखेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा रेस्ट में, वो तो मोशन परफॉर्म करेगा। फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसे कैसे हो गया, वो वैसे हो गया जो माउंट एवरेस्ट के केस में हो रहा था, क्योंकि मोशन जो है ये है ही इतनी भारी कि ये जो मोशन है इसको ऐसे बोला जाता है कि इट्स ए रिलेटिव फेनोमिनन, ये रिलेटिव फेनोमिनन है। इसका खुद का अस्तित्व जो है वो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमें भी होती ना आदत, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं ना, सो रहे सोते, फिर स्टडी कर रहे करते, फिर रिलेटिव फेनोमिनन होते हैं हमारे भी, ठीक है। तो मोशन का भी कुछ ऐसा ही है, खुद का कुछ नहीं है, देखती है सराउंडिंग में किसके साथ कंपेयर करके हम उसको एज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि उस मोशन में होने वाला क्या है। तो वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की थी मैंने कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेस एंड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग सारी बातें बदल जाती है। जैसे कि ट्रेन के एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि जो पैसेंजर्स है वे विद रिस्पेक्ट टू दैट बोगी या फिर दैट क्या ट्रेन का डब्बा या फिर जो चोर है उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन वही बात अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े कोई पैसेंजर देख रहे कि ट्रेन तो रुकी नहीं, ट्रेन तो जा रही है, ट्रेन जा रही मतलब डब्बा जा रहा है, डब्बे में पैसेंजर बैठे हैं, चोर भी है, कुछ लूटमार हो रही है, उनके लिए सारे लोग मोशन में है। मतलब मोशन का एस्पेक्ट डिपेंड करता है, हम उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में एंड मोशन इन ए प्लेन में नहीं आया था, क्योंकि हर बार हम डिसाइड करते थे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड रहेगा, हमारी अर्थ रहेगी, हमें अर्थ को छोड़ के जाना ही नहीं है। तो हम अर्थ को रेस्ट में कंसीडर करेंगे, 99% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड एकदम इजीली काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके जो कुछ भी अननोन क्वांटिटी थी वेरियस फॉर्मूले अप्लाई करके हम उसको फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये हमारे टॉपिक की बेसिक कंसेप्ट है। तो ये रिलेटिव मोशन में आने वाला क्या है, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या आने वाला है? यही आने वाला है, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर स्पेस एंड टाइम, इनके बारे में कुछ तो होगा। क्या होगा? पहले जो कंसीडरेशन था अब वो नहीं होगा,
मतलब पहले अपन बोलते नहीं थे, एज्यूम करते थे कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलेगा, एंड जहां पे ग्राउंड को रिस्पेक्ट देना पॉसिबल नहीं था वहां पे हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते, जैसे प्रोजेक्टाइल है ना, हर बार मैं नीचे से चौक फेंक के नहीं बता सकता था आपको, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया, वहां पे ओरिजिन बोल दिया, ओरिजिन बनाता हमारा वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो स्पेस के रिस्पेक्ट में अपन मोशन पढ़ने वाले थे। हर बार वही घिसी पिटी डायग्राम आके पैराबोला पैराबोला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड उसी रिलेटेड बातें चल रही थी, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब जो है थोड़ा सा मोशन का एस्पेक्ट बदलने वाला है, यानी मोशन में रिलेटिव मोशन में जो कंटेंट हमें पढ़ना है, जो कंसेप्ट हमें पढ़नी है वो वही है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के खत्म होने तक दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आने वाली नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंसुलेटेड डिस्कशन चलने वाला है, लेकिन अब थोड़ा एस्पेक्ट चेंज होके हम क्या करने वाले, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसको चेंज करने वाले। कैसे चेंज करने वाले, एकदम सिंपल बात है, मतलब जो कंटेंट यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्जांपल्स देके हमें सॉल्व करने की प्रोसेस फॉलो करनी है वो एकदम चिल्लर है। आई नो कि पहला क्वेश्चन भी मैं लूंगा तो पहले क्वेश्चन से ही मेरे से पहले सबके आंसर आने वाले हैं, मेरे से फास्ट आने वाले, इतना सिंपल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन पहले माइंडसेट बनाना होता है, वार्म अप होता है ना, इसलिए ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब देखो एकदम सिंपल सी बात अपन आगे लेके आएंगे कि एक कोई भी मूविंग कार है, एक मूविंग कार है, मेरी ड्रॉइंग आपको मालूम है बहुत भारी है, तो एज्यूम करो ये कार है, ये कार में एक कोई आपका दोस्त बैठा है ना, उसको बस हाथ पैर है, बाकी कुछ है नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन है आपका कोई फ्रेंड वहां पे कार में बैठा है, और कार की जो विंडो है उसकी ग्लास उसने नीचे की है, और हम हमारे घर के सामने खड़े हैं और वो कार में बैठ के वो जा रहा है। कंडीशन क्या है देखो, वो कार में बैठ के जा रहा है, अब जा रहा है तो उसकी जाते टाइम स्पीड आपको दी है कि वो 10 मीटर पर सेकंड है, और आप जो बाजू में यहाँ पे खड़े खड़े उसको देख रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी है, खड़े खड़े देख रहे हैं आप तो आपकी स्पीड कितनी है, जीरो। नॉर्मल केस है तो इसकी स्पीड जो है यह है 0 मीटर पर सेकंड। तो पहली बात मुझे बोलो कि एक कार में जो बच्चा बैठा है, आपका दोस्त बैठा है, उसकी जो स्पीड है, सपोज मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, किसी का नाम नहीं लेंगे अपन, नहीं तो कुछ लोगों को फिर बाद में बुरा लग जाता है ना देवेश, इसलिए ए एंड बी बोल के बात खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार में जो बच्चा बैठा है उसको हमने बी बोला, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे पहले बोलो कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है उसकी, वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किससे रिलेटेड है। अभी एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये जो रिलेटिव और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पेस एंड टाइम है ना, इसके लिए मैं एक स्पेशल रिस्पेक्ट वाला वर्ड यूज करने वाला हूं, और वो रहेगा रिस्पेक्ट, और इस टॉपिक में हमारी थीम होगी ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट, ठीक है ना। जिसके रिस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अगर ये रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट समझ गए आप तो ये मोशन क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव मोशन जो है वो एकदम सिंपल बन जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे चाहिए आंसर कि यहाँ पे जो 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है, एक ही रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक ही कोई बात ही नहीं है, ये उड़ा मार सकता है, ये भाग भी सकता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना कार की या फिर कार में बैठे हुए बच्चे की स्पीड चेंज हो सकती है। होगा कैसे, आप कार को देख के भागने लगे तो कार की स्पीड ऑटोमेटिक बदल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो स्पीड गिवन है बी की, मैं उसको लिख सकता हूं कि बी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात है, पहले भी स्पीड बोलते थे वेलोसिटी बोलते थे, अभी भी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड ही बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहे हैं अपन, थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस टॉपिक की बेसिक थीम ही है रिस्पेक्ट को समझना पड़ेगा आपको, कि अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए कार में जो बच्चा बैठा है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये स्पीड हमने बस क्या लिखा है, B/G का मतलब होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है। Yes, यही आपको इस टॉपिक में समझना है एंड इसी के ऊपर फोकस करना है, ये रिस्पेक्ट जो आएगा वो, और ये रिस्पेक्ट की बात अगर क्लियर होगी तो आपको भी पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा टेस्ट में, ठीक है। अब मुझे बोलो इस ए की जो स्पीड है वो कितनी है, जीरो, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में जीरो है, ग्राउंड। ये तो क्लियर था, पहले की बात थी छोटे बच्चों वाली एकदम,
कोई भी बोल सकता था, बस यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट जो था जीजी लिखा, तो ये थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ा सा ऐसे कुछ लोग सोच के आंसर दे रहे थे, वैसी कोई बात नहीं थी, एकदम सिंपल सी बात है। कार की भी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी और जो ए खड़ा है उसकी भी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो रेस्ट में था। अगर मैं आपको यहां पे बोल दूं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब आंसर नहीं चाहिए मुझे, पहले इसके ऊपर हमें थोड़ा डिस्कस करना है, इसको समझना है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ई ए, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी ले लो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन यहां पे चेंज नहीं हो रही है। स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर अपन ऐसे भी लोग बोल सकते हैं एज सीन बाय बी, समझ रहा है इस स्टेटमेंट का मीनिंग? यस सर। स्पीड किसकी? बी की, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ए के रिस्पेक्ट में। अब ए के रिस्पेक्ट में जब हम ऐसे बोलते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय, ये बी नहीं है, ए, एज सीन बाय ए, मतलब ए को जो दिखाई देगी, ए जो देखने वाला है वो स्पीड, ऐसे हमें बोलना है। और जैसे हम बोलते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें सिंपल सा एक टास्क करना पड़ता है, ए को जो है हम रेस्ट में एज्यूम करते हैं, हर बार रेस्ट में तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ए को हम क्या करते हैं, यहां पे लिख के देता हूं मैं, ए को अपन बनाते हैं हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है? मतलब इस टॉपिक में होने वाला बस इतना ही चेंज है, ग्राउंड को छोड़ देंगे हम, ग्राउंड को छोड़ के किसी और को अगर रेफर करने लगेंगे, किसी और को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ये अब हमें यहां पे देखना है। तो मुझे बोलो ए खड़ा है, वो बी को देख रहा है, बी तो कार से और कार में बैठ के आगे जा रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे बोला जाएगा कि कैलकुलेट वी बी ए वेक्टर, तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा वी ऑफ बी वेक्टर माइनस वी ऑफ ए वेक्टर। लाइफ टाइम के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ए बी की जगह पे यहाँ पे बी ए लिखो तो क्या होगा, बी ए के लिए एक्सप्रेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम नहीं, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? अब बी ए लिखा, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं सर, ऊपर भी बी ए, अगर आपको बोला है वी बी ए निकालो, सॉरी मैंने सेम ही लिखा था तो आप सेम ही बोलेंगे, है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ए बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ ए विद, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू, और उसको क्या बोल सकते हैं, एज सीन बाय बी। तो दोनों की केस में सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? मतलब देखो, एग्जांपल को छोड़ दो, न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ दो, जो ए खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में जो बी था वो कार में बैठ के आगे जा रहा है, बराबर? यस यस सर। लेकिन जब बी ए को देखेगा तो क्या होगा, व्हाट विल द फीलिंग ऑफ बी, बी क्या फील करेगा, डिफरेंट स्पीड, क्या फील करेगा, सेम, मतलब क्या होगा फील, मतलब भारी वाटल वगैरह वो मत बोलो, क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में बोलो, स्पीड इंक्रीज होगी? नहीं, ए जब देख रहा है बी को, उसको लग रहा है बी आगे जा रहा है, जब बी ए को देखेगा, जैसे होता है ना ट्रेन में बैठ के अगर वो रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलेंट, वेरी गुड, बी को ऐसे फील होगा कि ए पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं एक्सप्रेशन बी ए लिख रहा था तो वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए था, उसी तरह से अगर मैं एक्सप्रेशन को ए बी लिख दूंगा तो ये वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी बन जाएगा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, बाद में देख लेते, लेकिन जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, ए को लगेगा अरे बी आगे जा रहा है, लेकिन बी को क्या लगेगा, ए पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? होता है कैसे, अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा सा अपन
मतलब एक्सपीरियंस आके मैच्योर हो गए, लेकिन जब छोटे बच्चे फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर बस में ट्रैवल करते, बस क्या ट्रेन के बाहर देखने के बाद बोला अरे पेड़ कितनी स्पीड से पीछे भाग रहा है, हुआ था कैसे कभी? यस सर। उस पेड़ भाग रहे थे के पीछे? नो सर। लेकिन फिर भी फील हुआ था, क्यों? क्योंकि अपन ग्राउंड को नहीं देखते थे, ग्राउंड को छोड़ देते थे, अपन बस सराउंडिंग को और हमें देखते थे, और हमारे रिस्पेक्ट में मतलब एज सीन बाय अस वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है वो अपन देखते थे। वही बात यहाँ पे आ रही है ना, कुछ भी नहीं है, क्लियर है सबको? तो अब मुझे बोलो यहाँ पे अगर मुझे वी ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है, तो पहले हमने बोला था कि ए की स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। जीरो। ये बी ए की बात करते हैं, ए बी इधर लिखा है मैंने, और b की कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन उस पर ध्यान देना है बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ अलग नहीं। हर बार जी जी होता है, ग्राउंड के साथ ही होता है दिया हुआ, लेकिन हम कन्वेंशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10। a की कितनी है? जीरो। इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, नहीं दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों के बिटवीन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कि ये हो रहा है कि दोनों के बिटवीन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट सादा सुधा नहीं होगा, कौन सा लिखा था यहाँ पे मैंने? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, relative. तो वो चेंज होगा बाय 10 मीटर फॉर एवरी सेकंड, क्लियर? यस सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में वही बात यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये 0 - 10 आएगा, मतलब माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये भी वही कंक्लूड करेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट हैव टू चेंज बाय 10 मीटर फॉर एवरी सेकंड, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर? यस सर। यस सर। अभी ये अगर क्लियर हो गया तो आगे की बातें बहुत सिंपल है। देखो अब मैं ये पूरी बात रब कर देता हूं, ये तो सबको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना? यस yes. नहीं लिया तो फिर लेक्चर के बाद फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, फिर से ले लो, ये हैबिट ही बना दो बेटा जिनका नहीं बनाया अब तक, ठीक है? कुछ हुआ पूरा पार्ट लिख के मेरा भरोसा नहीं, मैं कब यहाँ पे बोर्ड रब कर दूंगा, ठीक है? चलो तो यहाँ पे कार आ गई, यहाँ पे ए आ गया, ओके okay? अब आपको बोला है कि जब ये कार आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बी का एंड ए का कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ऐसा है, इस तरह से है कि बी में जो बैठा है उसके साथ और कोई है, और उन लोगों ने आपको नहीं देखना चाहिए ये आपके दिमाग में, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कार पास हो रही है बी को तो देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद साइमल्टेनियसली रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, इसलिए आप इस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में बी ट्रैवल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। कोई एनी अदर थॉट मत लाओ दिमाग में, ऐसे अज्यूम करते कि उसके पैसे उधार है और वो नहीं देने थे इसलिए इधर भाग रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो फिर और कुछ लोग कुछ और बातें सोचने लगेंगे, लेट इट गो। चलो आगे, तो मुझे यहाँ पे बोलो अब क्या होगा, क्या होगा मतलब जो होगा वो लिख देते पहले। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड ली है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लेना पड़ेगा? 5। यस, ध्यान से देखो, -5। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए क्या लेना पड़ेगा? -5 मीटर पर सेकंड, समझ गए? yes, sir. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो रिलेशन तो वही है, अगर मुझे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, इसका मतलब ए को रेफरेंस हम बना रहे और ए जो स्पीड बी की देखने वाला है वो हमें कैलकुलेट करनी। फॉर्मूला तो हर बार सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो बी की वेलोसिटी कितनी है? 10। माइनस ऑफ ए की वेलोसिटी कितनी है? तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बन गई? 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है समझो, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले जब ए रेस्ट में रुकता था तब
दोनों के बिटवीन का जो रिलेटिव सेपरेशन हुआ करता था वो हर एक सेकंड में 10 मीटर से चेंज हो रहा था। लेकिन अब की केस में एज ए इज इन मोशन, ए भी मोशन में है और इसलिए ये ए एंड बी जो है जब भागेंगे मोशन परफॉर्म करेंगे तो इनके बिटवीन का रिलेटिव सेपरेशन हैव टू चेंज बाय हाउ मच, 15 मीटर पर सेकंड। है क्लियर सबको फिर? यस सर। अगर वही केस में आपको बोला जाता है कि नहीं ए को ध्यान में आ गया कि नहीं उसका कुछ तो भूल गया है, टिफिन वगैरह कुछ तो है और उसको देना है और देने के लिए वो सेम डायरेक्शन में भागने लगा बाय 8 मीटर पर सेकंड, अब क्या होगा? फॉर्मूला कंडीशन वो तो सेम ही रहेगी स्टार्ट में, इसलिए मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख के देता हूं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 2 मीटर पर सेकंड। हाउ मच? 10 - 8 इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। अब बोलो वेलोसिटी ऑफ ई ए एज सीन बाय बी। कंडीशन समझो, होता क्या है जब मैं बोल रहा हूं कि वी ए बी वेक्टर, इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि कार में जो बी बैठा है बाहर देख रहा है, अरे ए भी भागता भागता आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? यो चेंज हो रहा है बस -2। वेरी गुड, -2। ये बनेगा -2, 8 - 10 यानी -2 मीटर पर सेकंड। अब ये 2 मीटर पर सेकंड या फिर -2 मीटर पर सेकंड ये क्या क्लियर कर रहे हैं हमें? डायरेक्शन, मतलब ये यहाँ पे हमें क्लियर कर रहे हैं कि दोनों के बिटवीन का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे कम हो रहा है? नहीं, दोनों भी केस में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन होगा क्या जब ए बी को देख रहा है तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन जब बी ए को देख रहा है इस डायरेक्शन में पड़ रहा है। क्लियर है? यस सर। दिमाग का दही नहीं भर रहा है ना कुछ? एकदम सिंपल सिंपल से आ रहा है ना सब कुछ इनपुट्स? ओके सर। लेकिन ये ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बार रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट आ गया आपको फिर कोई इश्यू नहीं होगा। चलो, तो इसी तरह की बातें, ये अगर समझ में आया होगा तो बहुत सिंपल है रिलेटिव, फिर आपको इश्यू नहीं होगा, बिना देख के आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे आज के इस मीटिंग में। देखो कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे सपोज आपको एक कार्ट दिया है, कार्ट दिया मतलब हाथगाड़ी, हाँ हिला एक हाथगाड़ी है और उस हाथगाड़ी के ऊपर हमने किसी को बिठा दिया है और अब ये हाथगाड़ी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये रोड पे कोई तो खड़ा है वो रेस्ट में है 0 मीटर पर सेकंड से है। तो जब ये रेस्ट वाला जो है ये ए है ये बी है, तो जब बी ए को देखेगा, जब बी ए को देखेगा मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होगा? ए। अरे बी जो देख रहा है वही होगा ना, वो उसके रिस्पेक्ट में देखेगा ना। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद से मतलब मुझे जो लगता है वही मैं देख रहा हूं ना, क्या देवेश कैसे देखता होगा वो थोड़ी दिखाई दे रहा है मुझे, समझ में आ रहा है ना? अगर मुझे बोला गया है कि स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो गया। क्लियर? यस सर। तो इस पार्ट में मुझे अगर फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखूं मैं? ए बी। वेरी गुड, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इक्वल टू क्या होगा एक्सप्रेशन? वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, यानी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसी केस में आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो है वो इस कार्ट के ऊपर आगे भाग रहा है विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ये जो ए था हाथगाड़ी पे ही भागने लगा है ऊपर और उसकी हाथगाड़ी के ऊपर स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। अब उसकी जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट है, ये जो कार्ट ट्रॉली ट्रे या फिर हाथगाड़ी जो आपको दी थी उसके रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड से ये भाग रहा है। तो अब मुझे बोलो कि यहां पे जो बी देखेगा ए को
तो इसको इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी उसको, कितनी समझ में आएगी, कितनी लगेगी? फॉर्मूला का पार्ट बाद में लेके आते, एकदम लॉजिकली बोलो। 14 कॉमन सेंस है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से, या फिर कोई ट्रेन है ना, और वो पुरानी मूवी होती थी उनकी तरह, ट्रेन जा रही है और ट्रेन की छत के ऊपर और कोई भाग रहा है, गदर में था सनी देओल भाग रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जो स्पीड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन लेके आते हैं। उससे पहले मुझे इसी डिस्कशन को जो अपन मोशन अराउंड स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है मोशन इन ए प्लेन में, इसी को अपन कन्वर्ट करने वाले मोशन इन ए प्लेन में। अब मोशन इन ए प्लेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? एक्सप्रेशन फॉर्मूला जो मिला था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, तो एज इट इज ये सारी बातें आने वाली है। देखो एकदम सिंपल सिंपल वे से जा रहे हैं कि जैसे हम ये बात पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये उनका ओरिजिन है, और हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक पॉइंट ले रहे हैं ए, दूसरा पॉइंट ले रहे बी। अब ओरिजिन से ए का डिस्टेंस है आर ए, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस है आर बी, तो हम आर ए को क्या बोलते थे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हम आर बी को क्या बोलते थे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है सबको? यस सर। एंड अगर मुझे यहां पे ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी पोजीशन अगर चाहिए होती थी, तब जाके अपन उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, मतलब ए की पोजीशन एज सीन बाय बी। कैसे कैलकुलेट करते थे अपन? वेक्टर में कर चुके ना ऐसे देवेश? हाँ सर। तो इस तरह से बस ये डिस्प्लेसमेंट वाली कंसेप्ट ही, इसको अपन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले। मतलब देखो ए जहां पे है वही पे है, बी जहां पे है वही पे है, बदल क्या रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नजरिया, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें चेंज हो रहे हैं। मतलब जब मैं ओ से देख रहा हूं ए को, तो आर ए इतने डिस्टेंस पे है, अगर मैं ओ से देख रहा हूं बी को तो वो आर बी इतने डिस्टेंस से है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं कहीं से भी देखूंगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा। मैं अगर जाके ए के ऊपर खड़ा रह गया और बी के देख रहा हूं तो वो ना आर ए पे है ना आर बी पे है, वो कितने पे है, आर ए माइनस आर बी पे है, समझ रहे हैं आप? यस सर। उसी तरह से अगर मुझे आप ए को देखना है, मैं बी के ऊपर जाके देख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? नहीं, यहाँ पे हमने ए को देखा था बी के ऊपर जाके, अब मुझे बी को देखना है ए के ऊपर जाके, तो क्या लिखूं मैं? बी ए। समझ रहा है ना, ए बी बी ए क्या है, कहाँ से आ रहा है, इनकी मीनिंग क्या है, आइडिया आ रहा है ना कुछ? यस सर। यस सर। क्या है ए बी का मतलब, क्या है बी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ए बी को देख रहे हैं। ए बी में कौन किसको देख रहा है? बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है। एंड बी ए में एकदम सिंपल चिल्लर कॉन्सेप्ट बेटा, कंफ्यूज होने वाला नहीं है। जो लास्ट में आ रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बस वो देख रहा है, तो उसका वो देखने वाला अगर बदल गया तो जो दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब हमें मालूम है कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, तो ये आएगा आर ए बी वेक्टर, इसका अगर डिफरेंशिएशन लेंगे मतलब डी टी इज इक्वल्स टू बन जाएगा d by dt of r a vector माइनस बन जाएगा d by dt of r b vector। है क्लियर? क्या किया बस, सब साइड में डेरिवेटिव लिया। क्यों लिया? ले सकते अपन, मैथ्स अलाउ करता है हमें, है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे ना? Yes. वही है, वेलोसिटी मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए आने वाली वेलोसिटी भी कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, खत्म। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये बन गया उसका फॉर्मूला। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा,
तो ये डिफरेंशिएशन के बाद में बनेगा डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ ए वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ बी वेक्टर है क्लियर एक सर वो दिख नहीं सर वो दिख रहा नहीं कौन सा नहीं दिख रहा है अभी क्लियर है अभी दिख रहा है ठीक है तो अपन डीवी बाई डी टी को ए बोलते थे इसलिए ये बनेगा ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अब ये सीधा साधा एक्सेलरेशन नहीं है ये कौन सा एक्सेलरेशन है रिलेटिव तो टॉपिक की थीम समझ में आ गई नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे पहले जो था वही थे वही था वही है लेकिन क्या है बस रिलेटिव 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 टर्म आ रही मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर बार बदलने वाला है ठीक है हर बार जो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे गए हैं वही हम यूज करने वाले हैं फिर यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन परफॉर्म होने दो नहीं तो मोशन अलोंग प्लेन आने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्लियर सब कुछ यस यस सर यस सर चलो तो इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो वन मिनट हो गया हाँ सर मतलब कितनी सिंपल बातें आने वाली आगे देखो फॉर्मूला तो एक ही है कुछ है नहीं दिमागी नहीं लगाना है बस समझना है हमें किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना और किसको रेस्ट में रखना है और किसके रिस्पेक्ट में कैसे लेंगे ठीक है जैसे कि अभी आपको बोला गया है एक एग्जांपल कि दो ट्रेन है और वो दोनों ट्रेन क्या कर रही है एक ट्रैक के ऊपर मूव हो रही है उसमें से आपको पहली वाली ट्रेन दी है ए जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और उसकी लेंथ है 170 मीटर दूसरी ट्रेन है बी जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और इसकी लेंथ है एक मिनट इसकी 160 मीटर है 180 मीटर है एंड इसकी 160 मीटर है ऐसी दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक पे से ट्रैवल कर रही है तो आपको बोला गया है कि आप अगर इस ट्रेन ए में बैठे हो तो आप जब बी को देख रहे हो तो बी की जो ट्रेन है ए को जब वो पूरी तरह से क्रॉस करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा समझ रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है यस नो यस यस से कैलकुलेट फिर सर एक बार फिर से बोलो दो ट्रेन है बेटा क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की लेंथ उस ट्रेन की स्पीड दी है तो आपको बोला गया कि उन दोनों को पूरा क्रॉस करने के लिए या फिर आप एक ट्रेन में बैठ रहे हो विंडो से देख रहे हो और वो ट्रेन जो जा रही है उसको पूरा क्रॉस होने के लिए कितना टाइम लगेगा कंडीशन क्या है कि अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड नहीं है क्लियर Yes, तो आपको जो ये कार ए या फिर ट्रेन ए की स्पीड दी है वो किसके रिस्पेक्ट में है ग्राउंड ग्राउंड वो अगर हमने 30 मीटर पर सेकंड ले ली तो जो दूसरी ट्रेन है बी उसकी स्पीड कितनी लेनी पड़ेगी 40 माइनस 40 व्हाई डायरेक्शन अपोजिट है बस इसलिए अपोजिट है तो दोनों ट्रेन की मतलब ट्रेन ए की स्पीड एज स्पिन सीन बाय बी वाला पैसेंजर या फिर उल्टा भी ले सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्पीड ऑफ बी एज सीन बाय पैसेंजर इन ए वो कितनी होगी वो रहेगी टी ए बी अब टी ए बी का मतलब क्या है पहले बोलो ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी बी इक्वल टू क्या होगा ये ठीक है इसको VT लिखता हूं ठीक है ना T से कंफ्यूज हो रहा होगा अब क्लियर क्लियर यस सर अब मुझे बोलो कि अगर यहां पे A की स्पीड 30 है ये माइनस माइनस प्लस होके 40 आ गया मतलब दोनों ट्रेन की एक दूसरे के साथ रिलेटिव स्पीड कितनी बन गई 70 मीटर पर सेकंड अब मुझे बोलो
उन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब रिलेटिव उसकी लेंथ चाहिए, आर ए बी वेक्टर। तो ये कितनी बनेगी, लेंथ ऑफ ए माइनस लेंथ ऑफ बी, लेकिन ये लेंथ सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, कहां पे जा रही है, अपोजिट। यहां पे हमें एक को प्लस लिया तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना 340। तो रिलेटिव वेलोसिटी है हमारे पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो टाइम निकालते कैसे, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 340, स्पीड है 70, कितना आएगा 4.9। वेरी गुड, 4.999 सेकंड। यस, है क्लियर? यस सर। यस सर। तो इतना सिंपल है। अब इसी तरह का एक एग्जांपल मैं देने वाला हूं, पहले ये क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया? यस yes. अब आपको बोला गया है कि दो ट्रेन से, क्या है, दो फिर से ट्रेन है, और दोनों भी जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों भी जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और वहां पे साइमल्टेनियसली ये ट्रैक पैरेलल होते हैं, यहां पे दोनों ट्रैक जो पैरेलल है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड उसी टाइम पे आपको बोला है कि ट्रैक के अलोंग, फिर किस ट्रेन के डायरेक्शन में वो दिया नहीं है, ट्रैक के अलोंग जो विंड है वो ब्लो हो रही है विद स्पीड यू, इसका मतलब क्या है, विंड ब्लो हो रही है विद स्पीड यू, मतलब वादल सुटले इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक विद स्पीड यू, क्लियर? यस सर। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बोला है कि अगर आपको रेशो दिया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड 3:4, क्या बोला है आपको, रेशो, किसका रेशो, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, किसके बिटवीन, विंड एंड ट्रेन, इन दोनों के बिटवीन की रिलेटिव वेलोसिटी का रेशो 3:4 है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, दोनों ट्रेन की इक्वल है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, आपको कैलकुलेट करना है। कुछ आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन, क्या बोला है मैंने सर, और एक बार बताओ ना, तो परत विचारायचं बंद करावं लागेल मला। ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से, उसी ट्रेन के ट्रैक के पैरेलल डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, हवा सुटली है, और आपको बोला है किसी भी एक के ट्रेन एंड उस ट्रेन का उस विंड की जो वेलोसिटी है यू, इसका जो रेशो है पहले एक ट्रेन के साथ फिर दूसरे ट्रेन के साथ, तो ये रेशो आता है 3:4, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। नहीं आ रहा है, देखो सिंपल सी बात है कि जब पहली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन की स्पीड मालूम नहीं है, उसको वी एज्यूम करते हैं, और विंड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड यू एज्यूम करते हैं, तो ट्रेन की जो स्पीड है यहां पे वी, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विंड की स्पीड जो आपको यू दी है, दी वी स्पीड हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे बोलो अब यहां पे जो स्पीड होगी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड वो कितनी होगी, अरे बोलो, वी माइनस यू होगी ना देवेश? यस सर। अब वही कंडीशन है, जो ट्रेन है दूसरी पैरेलल वाली वो जा रही है इस डायरेक्शन में, विंड तो इसी डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां पे फिर से इस ट्रेन की जो स्पीड है उसको वेलोसिटी बोलना है हमें, ठीक है वी रख देते, इस ट्रेन की जो वी है वेलोसिटी है किसकी, फिर से विथ
ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कितनी होगी? डायरेक्शन वी प्लस यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, है क्लियर? यस सर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड पहली केस में अपॉन ट्रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इन सेकंड केस इज इक्वल्स टू 3/4 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/4 इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू, चलेगा? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई, कितना आएगा? 3v प्लस 3u इक्वल्स टू 4v माइनस 4u, माइनस इधर आएगा तो ये बनेगा 7u इक्वल्स टू बनेगा 7v, इसका मतलब v एंड u बोथ आर इक्वल, इक्वल इक्वल आएंगे क्या? कुछ भी नहीं। कितना होगा? 4-3v। हाँ सर, 4-3 1 आएगा ना, तो v कितना आएगा? 7 टाइम्स ऑफ u आएगा, है ना? पाउस पड़ल का पड़ल है ना, बल्कि परंग नहीं पड़ल। चलो, हो गया सबको क्लियर? यस नो? यस सर। तो आज के लेक्चर में जो है कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया हमने, इसलिए क्वेश्चन के नंबर जो है वो थोड़े से कम हो गए, लेकिन फिर भी SBT विल बी देयर, और उस SBT में उतने क्वेश्चंस रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने आज डिस्कस किए। आपको रिमाइंडर के लिए 2-4 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कल के या फिर सैटरडे के या फिर फ्राइडे के लेक्चर में हुआ था। लेकिन आज का जो लेक्चर है रिलेटिव वेलोसिटी का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कितना भी सिंपल लगा हो, कितना भी समझ में आ गया ऐसे लगा होगा, फिर भी आप लेक्चर फिर से एक बार देखेंगे, जो सिखाया गया है, जो लिख के दिया है, उससे अच्छा जो मैंने बोला है उसके ऊपर थिंक करो, क्योंकि आज ही अगर क्लियर हो गया तो पूरा नेक्स्ट वीक जो है एकदम निवांत आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आने वाले। क्वेश्चन में हर बार हमें इतना ही करना पड़ता है, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एडिशन, हो गई बात। वही बात जब मोशन इन प्लेन में कन्वर्ट करते तो और थोड़ी थोड़ी चेंज आएंगे, क्लियर? यस सर। तो आपको मॉड्यूल में दिया है, लेकिन मॉड्यूल में से आज कुछ भी होमवर्क नहीं है। आज आप लेक्चर का जो कंटेंट है उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो पेंडिंग वर्क जिन लोगों को बोला है वो उसको कंप्लीट करना है आज, ठीक है? कल से जो है मॉड्यूल का होमवर्क अपन शुरू करेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।